और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां बसपा ने बदला है अपना लोकसभा दल का नेता। पार्टी ने लोकसभा नेता गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी अब दी है, सांसद रितेश पांडे को लोकसभा नेता से हटाया है। तो ये देखिए बड़ा फैसला किया गया है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी ने अपना लोकसभा दल का नेता बदल दिया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पार्टी ने लोकसभा नेता गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल इससे पहले सांसद रितेश पांडे थे जो कि जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लोकसभा नेता के पद से हटा दिया गया है। जाटव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को जिम्मेदारी सौंप दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा फैसला सामने आया है चुनाव हारने के बाद। और देखिए सांसद रितेश पांडे को लोकसभा नेता पद से हटा दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला, बसपा ने अपना लोकसभा दल का नेता बदल दिया है और पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को लोकसभा में नेता पद की जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा जाहिर किया है। और इससे पहले रितेश पांडे के पास ये जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उन्हें लोकसभा नेता पद से हटा दिया गया है। जाटव अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे चुनाव हारने के बाद। बीएसपी की तरफ से ये बड़ा फैसला हुआ है, गिरीश चंद्र जाटव को बसपा लोकसभा दल का नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बनाया है। और देखिए जया, कल ही जहां सत्र की शुरुआत हुई है और अब ये फैसला लिया गया है और ये दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले चुनाव के जब नतीजे आए तो उन्होंने मीडिया डिबेट्स में, जो प्रोग्राम डिबेट्स होती है, उनमें अपने जो प्रवक्ता हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी।